आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहला जो हमारा शैम्पू है वो है कंप्लीट केयर शैम्पू, नाम ही बताता है पूरे बालों का कंप्लीट केयर करता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रोडक्ट से। सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो हेयर कंप्लीट केयर है, लेकिन बालों के बारे में समझना है तो पहले बाल को समझना पड़ेगा कि बाल क्या होता है। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगी, तो सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिएगा। और कुछ अगर कोई वर्ड ऐसा रहे तो आप बस उसको समझिएगा, आपको वर्ड रटने की जरूरत नहीं है। इस फोटो में जैसे आप देख रहे हैं ये आपके बाल है, बाल के नीचे आपको यहाँ पे एक पीला सा गोल कलर का सर्कल दिख रहा है, इसको आप डर्मल पैपिला कह सकते हैं। नाम याद रखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है, ये जो बाल है वो आपके ब्लड वेसल्स, आपकी जो खून जिसमें जा रहा है, ब्लड वेसल्स है उससे कनेक्टेड है। आपके खून में जो खाना है, न्यूट्रिशन है, आपके बालों को न्यूट्रिशन इससे मिलता है तो आपके बाल बढ़ने में मदद मिलता है। तो ये जो डर्मल पैपिला है वो आपके ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, इसलिए आपके बालों को जो पौष्टिक तत्व होता है, खाना होता है, वो इससे मिलता है। बालों की अलग अलग लेयर होती है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं, जो हमारे बालों को बचाने में मदद करती है। अब बात करें, बालों के ना अलग अलग स्टेजेस होते हैं जिसमें बालों का ग्रोथ होता है, इसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैं बस आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। पहला जो आप फेज देख रहे हैं ना, एनेजन, आपको ये नाम रटने की जरूरत नहीं, आप क्या याद रखिए, ग्रोइंग फेज। मतलब ये जो पहली फोटो आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इसमें बाल जो है वो आपकी डर्मल पैपिला से जुड़े हुए, मतलब इसको खाना मिल रहा है, खाना मिलेगा जिसको, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, वो चीज बढ़ेगी, तो जो बाल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब बाल ग्रोइंग फेज में होते हैं तो ही आपके बालों में ग्रोथ देखा जाता है। और एक बाल कितने दिनों तक ग्रोइंग फेज में होते हैं, 2 से लेकर 6 साल तक बाल जो होते हैं वो ग्रोइंग फेज में होते हैं। दूसरा जो फेज होता है, अब आप इस दूसरी फोटो में देखिए, बाल जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया है और जहां से उसको न्यूट्रिशन खाना मिल रहा था अब वो अलग हो गया, डिटैच हो गया, मतलब अब इसको खाना नहीं मिल रहा है, तो बालों का उस समय ग्रोथ जो होता है वो बंद हो जाता है। मतलब हमारे सिर पे जितने भी बाल है ना, उसमें से 3% जो बाल होते हैं वो आपके कैटेजन ट्रांजिशन फेज में होते हैं, और ये कितने दिनों तक रहते हैं, 2 से 3 हफ्तों तक रहते हैं। और जो लास्ट का हमारा फेज होता है वो रेस्टिंग फेज होता है, मतलब आपके सिर पे जितने भी बाल है वो 6 से 8% जो बाल है वो इस फेज में होते हैं और लगभग 3 महीने तक वो इस फेज में रहते हैं। और इस फेज में क्या होता है, नीचे से आपको बाल आना स्टार्ट हो जाता है और ये जो पुराने बाल होते हैं वो झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, और उसी के नीचे से नए बाल आपके शरीर में, आपके बाल सिर पे उग जाते हैं। तो ये अलग अलग फेजेस में हमारे बालों का ग्रोथ देखा जाता है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज बालों के बारे में समझते हैं। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो ग्रो करने वाली चीज है ना, वो आपके बाल होते हैं। आप जब किसी को देखते हैं तो सबसे पहले हम उसके अच्छे बाल देखते हैं, कहते हैं हमारे बालों 90% जो बाल होते हैं ना वो ग्रोइंग फेज में होते हैं, बढ़ने वाले फेज में होते हैं, और 10% ही बाल होते हैं जो रेस्टिंग फेज में होते हैं, जो निकलने वाले हैं। इसीलिए अगर आप दिन भर में 100 बाल भी अगर आप खो रहे हैं ना, लूज कर रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिए, आपके बाल तब दिखना स्टार्ट हो जाएंगे ना कि बाल उड़ गए हैं, जब आपके 50% बाल उड़ जाएंगे ना, तब लोगों को पता चलेगा कि अच्छा आपके बाल उड़ गए। तो अलग अलग कारण है, दवाइयों के रिएक्शन की वजह से, थायराइड जिनको प्रॉब्लम होता है उनके हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, खून की कमी है, आयरन डेफिशिएंसी है, बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। 50% जो मेन है ना, जेंट्स हैं, उनमें 50 साल के बाद नॉर्मली मेल पैटर्न हेयर लॉस देखा जाता है। बहुत सारे जेंट्स को आपने देखा होगा, उनके यहाँ सिर के गोल के बीच के बाल चले जाते हैं, पीछे के जो बाल रहते हैं वो रहते हैं, तो बहुत सारे जेंट्स में इस तरीके से देखा जाता है। और जो लेडीज मेनोपॉज पे है, मतलब पीरियड्स आना बंद हो चुका है, उन लेडीज में आगे चलकर, क्योंकि हार्मोनल डिस्टरबेंस होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारी लेडीज में उस टाइम पे हेयर लॉस देखा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हमारे बाल जो है ना वो बहुत ज्यादा डैमेज होने लगते हैं। अब आपके बाल अगर हेल्दी हैं, डैमेज नहीं है, और एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखिएगा, आप इस स्लाइड से देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बाल की आपकी ऊपर की परत है, वो सारी जो चीजें ना, ये जो क्यूटिकल है वो बंद है और यहाँ पे वो क्यूटिकल खुला हुआ है, तो जब वो खुला रहेगा तो उसमें ज्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं। और वो जितना बंद रहेगा, जितना आपके क्यूटिकल बंद रहेंगे, उतना आपके बाल ज्यादा अच्छे दिखेंगे, उसमें शाइन दिखेगा, आपके बालों को आप अच्छे से कोम कर पाएंगे, इजी होता है उसको मैनेज करना।
तो किस किस कारण से बाल खराब होते हैं, जो हम ज्यादा शैम्पू करते हैं, गीले बाल है, हमने बहुत रगड़ के टॉवल से उसको पोंछ दिया, या गीले बालों में हमने कंघी कर ली, या हम बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, स्टाइलिंग करते हैं, धूल आता है, पॉल्यूशन आता है, पानी में क्लोरीन होता है, सारी चीजें आपके बालों को डैमेज करती हैं। अगर बात करें बालों को डैमेज करने की तो बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब आपके बाल डैमेज होने लगते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा बाल डैमेज हो रहे हैं। बहुत सारी लेडीज जो आज ये ट्रेनिंग सुन रही होंगी उन्हें स्प्लिट एंड सुना होगा। जैसे आप ये बाल देख रहे हैं, आगे की जो हमारी नीचे के बाल है वो दो मुहे हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, स्प्लिट एंड हो जाते हैं। ये फोटो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो बाल है, कुछ लोगों के बाल ना हमेशा उखड़े उखड़े टाइप के रहते हैं, क्योंकि उनके जो बालों का ये जो क्यूटिकल है वो एकदम अलग हो जाता है तो बाल एकदम उखड़े उखड़े लगते हैं। लेकिन जो लेडीज ने कभी स्मूदनिंग या स्ट्रेटनिंग कराई होगी तो आपने देखा होगा बाल एकदम स्मूद हो जाते हैं। क्यों? आपके जो क्यूटिकल होते हैं वो एकदम बंद हो जाते हैं, बाल एकदम ऑर्गेनाइज लगते हैं। तो हमारे बालों का मॉइस्चर खत्म होने लगता है, बाल ड्राई होने लगते हैं, रूखे होने लगते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम देखी जाती है। अब कुछ लोगों के आपने बाल देखे होंगे, उनके बालों का कलर हल्का लाइट होता है, किसी के डार्क ब्लैक बाल होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? मिलानिन की वजह से होते हैं। मिलानिन ज्यादा होगा बालों का कलर डार्क होगा, मिलानिन कम होगा तो बालों का कलर लाइट होगा। तो इंडियंस का जो कलर है वो नॉर्मली डार्क ब्राउन से लेकर ब्लैक में देखा जाता है। अब बात करें हमें अच्छा बाल रखना या अच्छा हेयर केयर करना क्यों जरूरी है। जब भी आप किसी को मिलते हैं तो सबसे पहले बाल नजर जो होती है वो बाल पे ही जाती है। और अगर लेडीज की बात करूं, एज अ गर्ल एज अ लेडी, अगर मैं आपको ये चीज समझाऊं, लेडी के लिए बाल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। जेंट्स के लिए भी है, लेकिन लेडीज की खूबसूरती का एक रीजन बोला जाता है कि बाल अगर अच्छे हो, आपके शाइनी हो, खूबसूरत बाल हो, तो एक अच्छा इंप्रेशन देता है। इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे बाल जो है वो ज्यादा डैमेज ना हो और बाल का हेयर लॉस जो है, बाल जो झड़ रहे हैं उससे हम बचा सके। तो क्या कर सकते हैं? कहते हर 2-3 महीने पे, मैक्सिमम 3 महीने पे अपने बालों को ट्रिम जरूर करें। लेकिन लोग कहते हैं कि ट्रिम करने से बाल लंबे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर बालों को ट्रिम करते हैं तो बाल लंबे नहीं होते हैं, बस आपके बाल जो नीचे दो मुहे स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं उसको वो अच्छा कर देता है, आपके बाल हेल्दी लगते हैं। बालों को जब कंघी करे आराम से करे, उसको खींचे नहीं, खुश रहे, अच्छा खाना खाएं, अच्छा खाना आपके बालों पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा शैम्पू यूज करना है, अच्छा कंडीशनर यूज करना है और आपके स्कैल्प को नरिश करना है, मतलब हेयर ऑयलिंग भी करना है, बालों में तेल भी लगाना है, वो आपके स्कैल्प को अच्छा रखता है, आपकी जो यहाँ की स्किन है उसको अच्छा रखने में मदद करता है। इन दोनों पिक्चर में से आपको कौन सी चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी? ये वाली साइड जो हम राइट वाली साइड देख रहे हैं, अच्छे बाल जो है वो सबसे पहले लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन एज अ लेडी एज अ गर्ल मैं एक अच्छे हेयर प्रोडक्ट से क्या चाहती हूँ? बाल शैम्पू करने के बाद या कंडीशन करने के बाद मेरे बाल स्मूथ हो जाएं, शाइनी हो जाएं और इजिली मैनेज हो, कि अगर मैं शैम्पू करने के बाद कुछ देर के बाद जब मेरे बाल ड्राई हो गए तो मैंने एक बार कंघी किया और एक बार में बाल सेटल हो गए, मैनेज हो गए, आपके जड़ मजबूत हो, हेयर फॉल नहीं हो, बालों से एक अच्छी खुशबू भी आए। जब अगर मैं शैम्पू कर रही हूँ तो बालों से अच्छी खुशबू भी आए, बाल भी मजबूत रहे, आपका जो अगर कोई हेयर कलर आपने करवाया है तो वो हेयर कलर को भी प्रोटेक्ट करे, आपके एनवायरमेंट से भी बचाए, ये सारी चीजों पे अगर कोई प्रोडक्ट काम करता है तो एक अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है। इन सारी चीजों के लिए हमारी कंपनी ने 3 बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट बनाए हैं। माय फ्रेंड, जब मैं इन सबकी ये प्रेजेंटेशन जब मैं तैयार कर रही थी, सच बताओ एज अ डिस्ट्रीब्यूटर भी अगर मैं बात करूं, मेरा कॉन्फिडेंस अपने प्रोडक्ट के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी इंग्रेडिएंट्स, ऐसी ऐसी चीजें डाली गई हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम कंप्लीट केयर शैम्पू की हम बात करें तो कंप्लीट केयर क्यों ऐसा खास है, नाम ही बताता है, कंप्लीट केयर करता है। अब एक शैम्पू का काम क्या है? शैम्पू का काम है आपके बालों को साफ करना। मार्केट में भी बहुत सारे शैम्पू हैं बाल को साफ करते हैं, लेकिन वो बहुत हार्श होते हैं, वो आपके बालों को डैमेज कर देते हैं। हमें दो तरीके के इसमें साफ करने वाली चीज, जिसको हम क्लीनिंग एजेंट बोलते हैं, वो डाला है। जो आप ये देख रहे हैं सोडियम लोरॉयल इथर सल्फेट, ये क्या करता है, आपके बालों में अच्छा झाग लेकर आता है, फोम लेकर आता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये एक नेचुरली डिराइव किया जाता है, किससे, जो नारियल का तेल है और जो पाम ऑयल है उससे नेचुरली ड्राई किया जाता है इसको, तो आपके बालों पे बहुत हल्का असर करता है, आपके बालों को डैमेज नहीं करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरी जो चीज हमने इसमें डाली है वो क्या है, आपने स्लोगन बहुत पहले से सुना होगा, नो मोर टीयर्स।
बच्चों के शैम्पू में ये डाला जाता है, CAPV डाला जाता है, कैप डाला जाता है, वो क्या करता है आपके बालों पे बहुत सॉफ्ट तरीके से काम करता है, लेकिन जो भी धूल है तेल है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। और ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेचुरल कंपाउंड है जो आपके नारियल के तेल से निकाला गया है। तो जब आप इसको बाल में अच्छे से जब आप रब करते हैं तो एक अच्छा खासा फोम लेदर बनता है, झाग बनता है, जो बालों से डर्ट और धूल को हटाने में मदद करता है। तो हमने दो इसमें माइल्ड बालों को धोने के लिए चीज डाली है। तीसरी चीज है, जो दूसरी चीज है वो है सिलिका गुआर फॉर्मूला। इसको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। मार्केट के प्रोडक्ट क्या करते हैं, बस बाल साफ करने में ही काम करते हैं। हमारा प्रोडक्ट बाल को साफ कर दिया, लेकिन जब हम बाल को साफ करते हैं उसका नेचुरल ऑयल है, उसका जो ऑयल है वो सब निकल जाता है, बाल बहुत कड़े हो जाते हैं, हार्श हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं। हमने जो इसमें सिलिका गुआर फॉर्मूला डाला है वो क्या करता है, आप इस फोटो से बस देखिएगा, यहाँ पे आपको बाल रफ दिख रहे हैं। ये जो सिलिकॉन्स होता है वो क्या करता है, बालों पे एक परत चढ़ा देता है, एक लेयर चढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, आप इस फोटो में देख रहे हैं, बाल जो है वो ऑर्गेनाइज लगने लगते हैं, सॉफ्ट लगने लगते हैं, उसमें नमी जो होती है उसकी वो बरकरार रखती है, मॉइस्चर जो होता है वो उसमें रहता है और आपके बालों को सॉफ्ट करता है। इसलिए जब आप इस शैम्पू से बाल धोते हैं, आप जब कंघी करते हैं तो बड़े आसानी से जो आपका कंघी है बहुत ही आसानी से आपके बालों पे स्लिप करता है, क्योंकि ये जो सिलिकॉन होता है आपके बालों पे एक अच्छी सी परत चढ़ा देता है, उसको शाइनिंग कोट देता है। दूसरी चीज, ये जो गुआर है, इसको हम गुआर फली भी कहते हैं, ये जो गुआर है वो नेचुरली गुआर बीन से निकाला जाता है। ये क्या होता है, जब ये पानी में मिलता है ना तो थोड़ा थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके बालों पे एक मोटी लेयर आ जाती है, आपके बाल हेल्दी दिखना स्टार्ट हो जाते हैं, मोटे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और वो जल्दी टूटते नहीं है, उनका ब्रेकेज जो भी है, जो टूटने की प्रॉब्लम है उससे भी ये बचाता है। और जब आपके बालों पे एक शाइन आना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए जब भी आप इस शैम्पू से बाल धोएंगे आपके बालों पे एक शाइन रहेगा। तो ये सिलिका गुआर फॉर्मूला जो हमारे स्पेशल प्रोडक्ट में डाला गया, एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक यूनिक चीज है। तीसरा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपने ये चीज ना, मैं आपको नेचुरल एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हमने सबने कभी ना कभी ये फील किया होगा, आप जब बालों पे कोम करते हैं तो कभी कभी आपने देखा है कि कंघी में आपके बाल ना होते वो टच होने लगते हैं, वो ऐसे उड़ने लगते हैं बाल। क्यों? हमारे बालों पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से बाल जो है आप इस फोटो में देख रहे हैं अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन जब आप इस शैम्पू से बाल धोते हैं तो वो आपको पॉजिटिव चार्ज देता है और आपके बाल जो होते हैं वो सिमटे हुए नजर आते हैं, ऑर्गेनाइज नजर आते हैं और आपको मैनेज करना जो होता है वो आसान हो जाता है। मैंने पहली बताया यूनिक चीजें हैं, इसमें आलमंड मिल्क भी डाला गया है, जो बादाम का दूध है वो भी डाला गया है, बालों को पौष्टिक तत्व देता है, नरिशमेंट देता है, उसमें शाइनी लुक देता है। एलोवेरा जब भी हम बालों पे लगाते हैं हमें नमी देता है और आसानी से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, आपके बालों को सॉफ्ट करने में मदद करता है। चेहरे के लिए विटामिन जरूरी है, बॉडी के लिए विटामिन जरूरी है, तो बालों को भी तो विटामिन की जरूरत है। तो आपके बालों को मॉइस्चर को रिटेन करता है, बालों को मजबूत करता है, उसमें शाइन लेकर आता है। तो आपने देखा चीजें तो बहुत सारी डाली गई है, लेकिन अब आप याद क्या रखेंगे, क्योंकि मुझे पता है सारी चीजें सबको याद नहीं रहती है। तो एडवांटेज क्या है मार्केट में, दो तीन पॉइंट्स आपको याद रखना है। सबसे पहले, मार्केट का जो प्रोडक्ट है वो बस बालों को साफ करता है, हमारा जो प्रोडक्ट है और वो मार्केट का जो प्रोडक्ट है उसमें आपको लॉरेल सल्फेट होता है जो बहुत हार्श होता है, बालों को खराब कर देता है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत माइल्ड काम करता है और आपके बालों को बहुत ही सॉफ्ट तरीके से धोने में मदद करता है। दूसरी चीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, मार्केट के हर शैम्पू में मैक्सिमम दो कंडीशनर होते हैं, हमारे प्रोडक्ट में चार कंडीशनर डाले गए हैं। मतलब आप ये शैम्पू भी जब यूज कर रहे हैं ना तो बस बाल नहीं धो रहा, आपके बालों को कंडीशन भी कर रहा है और इसमें चार कंडीशनर है, जो हमारा यूनिक प्रॉपर्टी है। तीसरी चीज, मार्केट में आपको ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, हमने इसमें आलमंड मिल्क भी डाला है, एलोवेरा भी डाला है, विटामिन भी डाला है, जो बालों में शाइन भी लाता है, मजबूत भी करता है। मार्केट के प्रोडक्ट बस साफ करने का काम करते हैं, हमारा प्रोडक्ट साफ भी करता है, चार तरीके के कंडीशनर भी है, एलोवेरा भी है, बालों को अच्छा रखता है, विटामिन है। मतलब आप देख रहे हैं ओवरऑल, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, कंप्लीट केयर, पूरा आपको ये कंप्लीट केयर आपको ये प्रोडक्ट देता है। अब ये जो प्रोडक्ट है वो हर तरीके के बालों के लिए आप यूज कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं, इसलिए इसको ऑल हेयर टाइप बनाया गया है। इसमें एक लाइन लिखी हुई है, सर्टिफाइड फॉर परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट। आप हर एक प्रोडक्ट के नीचे देखेंगे तो उसमें लिखा होगा सर्टिफाइड फॉर परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट। ये जो लाइन है वो हर एक प्रोडक्ट में आने वाला है, तो मैं आपको एक ही बार में एक्सप्लेन करती हूँ, तो मैं बार बार ये चीज एक्सप्लेन नहीं करूंगी। तो इसका मतलब क्या है,
हमारे हर एक प्रोडक्ट में बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाले गए जो काम करते हैं। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब क्या है कि अगर हमने बोला कि हमने इसमें सिलिका गुआर डाला है तो वो सच में काम करता है, वो परफॉर्मेंस देता है, इसका हमने सर्टिफाई किया है, इसकी प्रॉपर एनालिसिस होती है कि यस जो हमने ये इंग्रेडिएंट डाला है वो अपना काम करता है, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। ये जो भी आप इंग्रेडिएंट देख रहे हैं ना वो रेप्यूटेड एमएनसी से हम सोर्स करते हैं, और ऐसे इंग्रेडिएंट्स हमारे प्रोडक्ट में डाले गए हैं जो एक्चुअल में काम करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है ये माइल्ड तरीके से आपके बालों को धोता है, साफ करता है। बालों को हल्का गीला करना है, शैम्पू लीजिए, उसको मसाज करिए और 2 मिनट तक मसाज करिए, और अगर ऑयल वगैरह है कोशिश करिए शैम्पू करने से पहले आप 2-3 घंटे पहले बालों में ऑयल लगा के शैम्पू करिए, या रात में लगाकर ऑयल सुबह आप शैम्पू कर सकते हैं। ऑयल लगाना जरूरी है, बालों को थोड़ा और मॉइस्चर मिल जाता है। और जब भी आप कंप्लीट केयर शैम्पू यूज करें उसके साथ साथ अपना आपको कंडीशनर भी जरूर यूज करना है।